गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फ्रॉम चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट पार्ट वन एंड प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। कैसे वेदर डेली चेंज करता है और क्लाइमेट टेक्स अ लॉन्गर पीरियड टू चेंज। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड हाउ टेम्परेचर इंक्रीज इन द एटमोसफियर, अबाउट द रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द टेम्परेचर। ठीक है, तो दो फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक एंड दोज टू फैक्टर्स आर लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। कि हाउ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, कि आप इक्वेटर से जैसे पोल्स की तरफ जा रहे हो तो कैसे उसमें टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, या फिर पोल्स से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो कैसे वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। और दूसरा था आपका फैक्टर, दूसरा फैक्टर है आपका हाइट, कि हाइट इंक्रीज करता है तो एट एवरी 165 मीटर, एट एवरी 165 मीटर यू गो अप, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, टुडे विल डिस्कस द थर्ड फैक्टर, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक, तो डिस्टेंस फ्रॉम सी का मतलब कि कोई भी शहर या फिर कोई भी गांव या फिर कोई भी टाउन समुद्र से कितना दूर है। जैसे इंडिया का जो कोस्टल पार्ट है वैसा दिखता है, ये इंडिया का कोस्टल पार्ट है। तो हम दो एग्जाम्पल आपका लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं न्यू दिल्ली का। न्यू दिल्ली तो शहर समुद्र से बहुत दूर है, ऑलमोस्ट वही है, बहुत दूर है समुद्र से। ये आपका न्यू दिल्ली का एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम, दैट इज़ वही है। और अब इसको बोला क्या जाता है, दैट दिस इज़ कॉल्ड त्रिवेंड्रम। ठीक है, एक न्यू दिल्ली, दूसरा त्रिवेंड्रम। त्रिवेंड्रम एक कोस्टल सिटी है और न्यू दिल्ली क्या है, न्यू दिल्ली कोस्ट से बहुत, समुद्र का जो एरिया है उसे बहुत दूर है। ठीक, तो समुद्र के कारण, सी के कारण किसी भी सिटी के टेम्परेचर पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है। त्रिवेंड्रम में देखा क्या जाता है कि दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है अभी के टाइम का अगर बात किया जाए तो त्रिवेंड्रम का आज मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हम बात करें तो आज 28 डिग्री सेल्सियस है, और इसका मिनिमम टेम्परेचर जो कि रात में होने वाला है, रात का टेम्परेचर होगा 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देख रहे हो कि दिन के टाइम में टेम्परेचर मैक्सिमम जा रहा है कितना, तो 28 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम कितना है 26 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, और यही अगर हम न्यू दिल्ली का बात करें तो न्यू दिल्ली का आज मैक्सिमम टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया, 8 डिग्री का डिफरेंस आ गया। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना है, ओनली 2 डिग्री। तो ये दिस डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये तो आप जानते हो। तो समुद्र के पास सटे हुए होने के कारण, समुद्र के पास देखा कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम कब होगा, दिन के 2 बजे। 2 बजे दिन में क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, 2-1 यही टाइम होता है दिन का, उस समय टेम्परेचर कितना पहुंच रहा है 28 डिग्री सेल्सियस। और रात के 12-1-2 बजे कितना टेम्परेचर जा रहा है, 26 डिग्री। तो दिन में भी टेम्परेचर उतना नहीं इंक्रीज़ किया और दिन में भी क्या, उतना ही स्टेबल ही है। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस बहुत कम है। न्यू दिल्ली जो कि समुद्र से बहुत दूर है, वहाँ पे क्या देखा जा रहा है, वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर 36 और 28 है। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। और ये तो फिर भी चलिए अभी मानसून का टाइम है, अभी उतना डिफरेंस उतना है नहीं, गर्मी के टाइम में ये डिफरेंस हो जाता है। गर्मी का अगर हम बात करें तो उस समय मैक्सिमम दिल्ली का पहुंचता है 47-48 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, और मिनिमम कितना रहता है, मिनिमम रहता है आपका नियरली 25 और 27 और 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब 17-18 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, ये गर्मी का होता है। मॉनसून में ये डिफरेंस थोड़ा कम रहता है, इसीलिए अभी बारिश हो रहा है, इसीलिए आपको ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा, ओनली 8 डिग्री का। और ये गर्मी के टाइम में कितना हो जाएगा, 18 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, और ठंड के टाइम में भी त्रिवेंड्रम का टेम्परेचर इतना ही रहेगा, 28-26 डिग्री सेल्सियस। इस अगर साउथ में कोई लोग आपकी जान पहचान के रहते हैं तो आप उनसे पूछिए, त्रिवेंड्रम के लोग या फिर केरल में जो लोग रह रहे हैं या फिर तमिलनाडु में जो लोग रहते हैं, वो बोलेंगे कि स्वेटर वहाँ पर लोग पहनते ही नहीं हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम में भी टेम्परेचर इतना ही है 28-26, और ठंड के टाइम में भी इतना ही टेम्परेचर रहता है, बहुत कम फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज दिल्ली और इसका त्रिवेंड्रम का टेम्परेचर डिफरेंसेस कितना है। तो न्यू दिल्ली का हम देख पा रहे हैं कि न्यू दिल्ली का अभी कितना टेम्परेचर दिखा रहा है,
31 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए संडे का दिन टेम्परेचर मैक्सिमम 36, मिनिमम 28। तो देखिए मैक्सिमम 36, 27, 35, 27 ऐसा ही टेम्परेचर है लगभग। अगर हम त्रिवेंड्रम का देखें, त्रिवेंड्रम का क्या है संडे का 28, 26, ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस बहुत कम है। फिर अगर हम एक और कोस्टल सिटी का एग्जांपल देखें, मुंबई, मुंबई इज़ ऑल्सो कोस्टल सिटी, मुंबई का अगर एग्जांपल हम देखते हैं तो मुंबई क्या है मैक्सिमम कितना 31, 26, 30, 26, 31, 26, मैक्सिमम मिनिमम में डिफरेंस 5 ही डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। और हम अपना डाल्टनगंज का एग्जांपल देखते हैं, डाल्टनगंज में क्या है, डाल्टन कोस्टल सिटी तो है नहीं, कोस्ट से बहुत दूर है, तो मैक्सिमम कितना 33 और मिनिमम 25, देखिए डिफरेंस कितना 8 डिग्री का डिफरेंस, 34, 25, 33, 24, लगभग 7-8 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जा रहा है, अंडरस्टूड। तो सिंस डाल्टनगंज इज अ कोस्टल, डाल्टनगंज इज नॉट अ कोस्टल सिटी, इसीलिए मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। और आपका त्रिवेंड्रम क्या है, त्रिवेंड्रम एक कोस्टल सिटी है, इसीलिए मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, देखिए इसमें 6 डिग्री का डिफरेंस, 5-6 डिग्री का ही डिफरेंस आ रहा है। न्यू दिल्ली क्या है, इट नॉट अ कोस्टल सिटी, इसीलिए मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ज़्यादा है। मुंबई क्या है, मुंबई ऑल्सो कोस्टल सिटी, तो मैक्सिमम मिनिमम के बीच में डिफरेंस क्या है, कम है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जोधपुर, जोधपुर राजस्थान में लाई करता है, राजस्थान में है, और राजस्थान इज, राजस्थान तो कोस्टल सिटी है नहीं, राजस्थान इज नॉट अ कोस्टल स्टेट। इसमें देखिए मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस 34, 28, 36, 27, मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस कितना, डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव सीन कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में कोस्टल एरियाज में डिफरेंस कम है, और जो समुद्र से दूर एरिया है वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस क्या है, ये बहुत ज़्यादा है। ये तो हुआ डेली बेसिस पे, ठीक है। अगर सीजनल बेसिस पे बात किया जाए, सीजनल बेसिस पे अगर बात करें तो क्या है, सीजनल बेसिस में भी यही है, गर्मी के टाइम में मैक्सिमम और मिनिमम का जो टेम्परेचर है उसमें, जैसे दिल्ली का कितना डिफरेंस आ रहा है, 18 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आता है, ये गर्मी के टाइम में 47-48 रहता है मैक्सिमम, और मिनिमम कितना होता है 30, 18 डिग्री का लगभग डिफरेंस आ जाता है। और त्रिवेंड्रम में भी विंटर्स के टाइम में भी, या फिर समर के टाइम में भी, समर के टाइम में भी यही टेम्परेचर रहेगा। तो कोस्टल सिटीज़ में ऑल राउंड द ईयर, ऑल राउंड द ईयर सेम टेम्परेचर रहता है, गर्मी में भी यही टेम्परेचर, बारिश के टाइम में भी यही टेम्परेचर, ठंड के टाइम में भी यही टेम्परेचर रहेगा। बट द सिटीज़ विच आर फार अवे फ्रॉम द कोस्टल एरियाज सी अ वेरिएशन इन द टेम्परेचर, मैक्सिमम कितना जा रहा है 48 डिग्री सेल्सियस, और ठंड के टाइम में यही टेम्परेचर दिल्ली का हो जाता है मैक्सिमम 7-8 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना ही जाएगा दिल्ली का, 7-8 डिग्री सेल्सियस। मतलब सोचिए गर्मी के टाइम में मैक्सिमम 48 और ठंड के टाइम में मैक्सिमम कितना 7-8 डिग्री सेल्सियस, मतलब सोचिए 40-50 डिग्री का डिफरेंस आ जा रहा है ईयरली। और त्रिवेंड्रम जैसे कोस्टल एरियाज में ये डिफरेंस ना के बराबर, बहुत कम है, बहुत कम, 2-3 डिग्री का ही डिफरेंस आता है। तो ये रीज़न क्या है, ऑल दीज डिफरेंसेज विच इज़ बींग कॉज इन द सिटीज़ विच इज़ फार फ्रॉम द कोस्ट इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, समुद्र के कारण ही होता है। And two important breeze is responsible. That is, one is land breeze and the second one is sea breeze. इस land breeze और sea breeze के बारे में तो आप बचपन से पढ़ते आए हो। दो टाइप के ब्रीजेज हैं, एक है आपका land breeze, ठीक है, और दूसरा है आपका sea breeze, ठीक, ठीक है। तो चलिए पहले दिन के टाइम में कौन ब्रीज रहता है, दिन के टाइम में आपका ब्रीज रहता है सी ब्रीज, ठीक है। सी ब्रीज मतलब विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है, और रात के टाइम में होता है आपका लैंड ब्रीज, दैट इज विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी। इसके बारे में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स को कि लैंड ब्रीज और कि ये कब ट्रैवल करता है, तो सी है, सी ब्रीज है तो सी टू लैंड दिन के टाइम में, और लैंड ब्रीज है तो रात के टाइम में फ्रॉम लैंड टू सी। तो पहले पहले दिन के टाइम वाला डिस्कस करते हैं। तो बहुत पहले आपको स्टार्टिंग में ही चैप्टर में बताया गया था कि लैंड और सी में, पानी और ज़मीन में, पहले गर्म होगा आपका ज़मीन, और ठंड भी, ठंडा जो भी है, ठंडा अगर उसको करना है तो ठंडा भी पहले कौन होगा, ज़मीन ठंडा हो जाएगा,
तो ये आपका लैंड का पार्ट है, और लैंड के बगल में आपका कोस्टल पार्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ द सी, ठीक है। तो दिन का टाइम लिया गया है, सन है इस उस समय, तो दिन के टाइम में, ध्यान से सुनिएगा, दिन के टाइम में जो आपका लैंड है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। दिन के टाइम में जैसे आप एग्जांपल अगर लेते हो 11-12 बजे का टाइमिंग अगर लेते हो, दिन के टाइम में लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म हो गया, ज़्यादा जल्दी गर्म हो गया तो इसके ऊपर का जो हवा है वो गर्म होगा, तो गर्म हवा किधर उठेगा, गर्म हवा ऊपर उठेगा, ठीक है। लैंड गर्म हुआ तो लैंड गर्म होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर का हवा गर्म होगा, और जब उसके ऊपर का हवा गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, वार्म एयर राइजेस अप, वार्म एयर राइजेस अप। अब ये यहाँ पे वार्म एयर विल राइज अप, तो व्हाट विल हैपन, समुद्र के ऊपर तो ठंडा हवा है क्योंकि लैंड ज़्यादा गर्म है समुद्र के कंपैरिजन में, जब लैंड ज़्यादा गर्म है समुद्र के कंपैरिजन में तो समुद्र के ऊपर जो ठंडा हवा है, इस गैप को फिल करने के लिए, यहाँ जो खाली स्पेस है इस गैप को फिल करने के लिए समुद्र का हवा किधर बहता है, समुद्र का जो ऊपर हवा है ये बहता है फ्रॉम सी टू लैंड, हवा समुद्र से लैंड की तरफ बहा, ठीक है। अब समुद्र के ऊपर खाली एरिया है तो ये जो हवा ऊपर उठा था, डैट कम्स डाउन टू फिल द गैप कॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम सी टू लैंड। तो समुद्र से हवा लैंड की तरफ बहा दिन के टाइम में, तो क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एज सी ब्रीज। तो इसका इन्फ्लुएंस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तब इसका इम्पैक्ट क्या है, ये सर्कुलेशन तो आप समझ गए, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि दिन के टाइम में समुद्र के ऊपर जो ठंडा हवा था वो ट्रैवल किया किधर, लैंड की तरफ, समुद्र का ठंडा हवा लैंड की तरफ ट्रैवल किया। तो समुद्र जब ठंडा हवा आपकी तरफ आएगा तो आपको क्या, टेम्परेचर तो कम हो जाएगा ना, दिन के टाइम में समुद्र का ठंडा हवा आपकी तरफ ट्रैवल किया, लैंड की तरफ ट्रैवल किया, तो दिन में क्या हो रहा है कि दिन का टेम्परेचर राइज करने नहीं पाएगा। क्यों नहीं राइज कर पा रहा है, क्योंकि समुद्र के ऊपर जो ठंडा हवा है वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम सी टू लैंड, और ये फिर इसके ऊपर आया, फिर गर्म हुआ, गर्म हुआ फिर ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो नीचे में गैप मिलता है समुद्र के पास, तो ये कंटिन्यूस साइकिल दिन के टाइम में ये चलते रहता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सी ब्रीज। इसका जस्ट रिवर्स होता है लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज ट्रैवल करता है रात के टाइम में, नाइट का टाइम है, ठीक है, सिमिलर कंडीशन, लैंड और सी का पार्ट, ठीक है। अब एक बार बताइए, रात का टाइम है तो ज़्यादा गर्म कौन, रात के टाइम में क्या होता है, ज़मीन तो जल्दी ठंडा हो जाता है ना, जब ज़्यादा जल्दी ठंडा हो गया ज़मीन तो समुद्र तो ज़्यादा गर्म है एज़ कम्पेयर टू लैंड। समुद्र दिन भर गर्म हुआ, 4-5 बजे तक पूरा गर्म हुआ, ठीक है, लैंड भी गर्म हुआ, लेकिन लैंड क्या हुआ, जैसे समुद्र सूर्य हटा लैंड तुरंत ठंडा हो गया, देखिए समुद्र को ठंडा होने में टाइम लग गया, तो समुद्र उस समय क्या है, दिस इज वार्म एंड दिस इज कूल, ठीक है, ये वार्म है ये कूल है, तो ये वार्म है तो इसके ऊपर का हवा ऊपर उठेगा, इसके ऊपर का हवा ऊपर उठा, तो लैंड के ऊपर जो हवा है that will come forward to fill the gap which is created over the sea, ठीक है। यहाँ का गैप तो भर गया लेकिन गैप तो लैंड के ऊपर है, तो ऊपर का जो ठंडा हवा है that comes down, ऊपर का ठंडा हवा नीचे आ जाता है, जब ऊपर से ठंडा हवा नीचे आएगा ज़मीन पे, तो ये that will fill the gap between on the land, और फिर ये continuous cycle at night from land to sea, लैंड टू सी, ये कंटिन्यूस साइकिल रात में चलते रहता है, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड एज लैंड ब्रीज। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि लैंड के ऊपर रात में जो ठंडा हवा था, वो ठंडा हवा जो टेम्परेचर डाउन करना चाहिए था लैंड के ऊपर, वो क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा है किधर, सी की तरफ, इसीलिए रात में टेम्परेचर उतना डिक्रीज नहीं कर पाता है कोस्टल एरियाज में, और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बैलेंस रहता है, उतना ही रहता है। दिन के टाइम में क्या हो रहा है, दिन के टाइम में समुद्र से हवा आ रहा है, समुद्र से ठंडा हवा लैंड की तरफ आ रहा है, समुद्र से ठंडा हवा लैंड की तरफ आएगा तो क्या होगा, दिन का टेम्परेचर राइज करने नहीं दिया। रात के टाइम में क्या हो रहा है, लैंड का ठंडा हवा चला जा रहा है किधर, समुद्र की तरफ, समुद्र की तरफ जब ठंडा हवा चला गया तो यहाँ पर टेम्परेचर उतना डिक्रीज नहीं कर पाता है, ठीक है। ये इम्पैक्ट होता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का ऑन द पीपल विच आर रिसाइडिंग इन द कोस्टल एरियाज, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सी, कि हाउ कोस्टल एरियाज गेट अफेक्टेड इन द टेम्परेचर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सी। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज द क्लाउड कवर।
तो क्लाउड कवर का मतलब क्या होता है कि किसी भी एरिया के ऊपर बादल का कवर होना, ठीक है। तो अगर किसी भी एरिया के ऊपर बादल होगा, तो बादल होगा तो जैसे अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप हैं और आपके ऊपर क्लाउड कवर है, पूरा क्लाउड का कवर बना हुआ है। तो क्लाउड का कवर होगा तो ऊपर का सोलर रेडिएशन तो अंदर नहीं ना पाएगा। अगर मान लीजिए दिन के टाइम में सुबह सुबह आप उठे और सुबह सुबह आपको क्या दिखता है कि दिन भर आज पूरा क्लाउड कवर रहने वाला है, तो क्लाउड कवर जब होगा तो ऊपर का जो सोलर रेडिएशन है वो तो अंदर आ नहीं पाएगा। जब ऊपर का सोलर रेडिएशन जब अंदर नहीं आ पाएगा, कब बात किया जा रहा है, सुबह और दिन का टाइम का, जब सोलर रेडिएशन अंदर नहीं आ पाएगा तो उस समय क्या होता है, आपको कूल टेम्परेचर दिखता है। अगर सुबह सुबह आपको अगर बादल दिख रहा है एटमोसफियर में, तो क्या होगा उस दिन आपका पूरा क्या रहेगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर विल बी कूल। ये फर्स्ट फैक्टर हुआ कि क्लाउडी डेज आर कूलर देन क्लियर डेज। कि अगर क्लाउडी अगर एटमॉस्फेयर है उस समय, तो क्या होगा, नॉर्मल दिन के कंपैरिजन में वो कूलर होगा, ठीक है। लेकिन अगर रात में क्लाउड कवर आया, या फिर शाम से अगर आप देखते हो कि शाम में अगर बादल आना स्टार्ट हो जाए, बारिश नहीं हो रहा, ओनली क्लाउड कवर इज देयर, शाम में अगर बादल आना स्टार्ट हो जाए तो व्हाट विल हैपन, यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिनेरियो विच आर नाइट। रात में अगर क्लाउड कवर है डैट विल बी लीडिंग टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको उस समय क्या होगा, उस समय ज़्यादा गर्मी महसूस होगा। क्यों गर्मी महसूस होगा, कि दिन के टाइम में क्या था, दिन के टाइम में कोई क्लाउड कवर नहीं था, दिन के टाइम में कोई क्लाउड कवर नहीं था तो सोलर रेडिएशन तो अंदर तक आ गया, दिन के टाइम में सोलर रेडिएशन अंदर आ गया, और शाम में क्या हुआ, शाम तक क्या हुआ, ये पूरा अर्थ को गर्म किया, ये पूरे अर्थ को गर्म किया, और शाम में क्या हुआ, क्लाउड कवर इंक्रीज कर गया, कवर तो इंक्रीज कर गया। अब शाम में क्या होता है, पहले सोलर रेडिएशन अंदर आता है, उसको ज़मीन एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, उसको रेडिएट करता है वापस, उसको वापस रेडिएट करता है। तो शाम में रेडिएशन करने का टाइम आया, शाम में जब रेडिएशन करने का टाइम आया, तो जब रेडिएट करने का टाइम आया तो क्या हुआ, उस समय क्लाउड कवर था, और ये क्लाउड कवर अंदर से रेडिएटेड हीट को बाहर नहीं जाने दिया। जब रेडिएटेड हीट बाहर नहीं जा पाएगा तो अंदर क्या होगा, अंदर में आपका गर्मी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर सुबह सुबह अगर क्लाउड कवर आता है तो क्या होता है, सोलर इंसुलेशन तो अंदर आ नहीं पाएगा, सोलर इंसुलेशन जब अंदर नहीं आ पाए तो आपको क्या लगेगा, उस समय आपको उस समय कूल महसूस होगा। अगर शाम के टाइम में क्लाउड कवर आया, दिन में कोई क्लाउड कवर नहीं है, दिन में कोई क्लाउड कवर नहीं तो सनरेज अंदर आया, सोलर रेडिएशन अंदर आया, अभी रेडिएशन जब अंदर आया तो ये क्या हुआ, शाम के टाइम में ये जब वापस जाने का टाइम आया था सोलर रेडिएशन का, रेडिएट हो गए, उस समय क्या था, उस समय क्लाउड कवर था, क्लाउड कवर क्या किया, क्लाउड कवर इसको वापस जाने नहीं दिया, जब वापस जाने नहीं देगा तो क्या होगा, ये जो एटमोसफियर है डैट विल बी हीटेड अप, ठीक है। अगर रात में भी सिमिलर कंडीशन होता, रात में भी कोई क्लाउड कवर नहीं होता, तो व्हाट वुड हैपन, कि सोलर रेडिएशन अंदर आता और रात में स्केप कर जाता, एटमोसफियर में निकल जाता, ठीक है। तो यू कैन से दैट कि क्लाउड कवर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर, ठीक है। दीज थ्री सिनेरियोज विल मेक दिस टॉपिक क्लियर टू यू, दैट हाउ क्लाउड कवर इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। तो आई डिस्कस्ड टू फैक्टर्स टूडे, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड क्लाउड कवर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल प्रोसीड मोर फर्दर विद द टॉपिक्स। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स आई विल फ्रेम सम क्वेश्चंस। आप इन दोनों टॉपिक्स को पढ़िए और उन क्वेश्चंस का आंसर फ्रेम कीजिए इन योर फेयर नोटबुक, ठीक है। थैंक यू।